हाँ भाई दोस्तों, मैं सोनू गुजारी सर्फ मित्र, मैं एक गांव आया हूँ और बहुत क्लोज हमारे हैं, पारिवारिक है, चितौड़ी गांव में आया हूँ। हम उनको बुलाना चाहते हैं, वो बताएंगे कब सांप दिखा, कौन सांप है बताएंगे। आइए भाई। हाँ, क्या नाम है आपका? सुन, परमानंद पांडे जी। ये सांप कब आपको दिखा? अरे अभी 5 मिनट पहले। तो ये सावन महीने चल रहा है इसलिए नहीं मारे ना, बेजुबान मारना ही नहीं चाहिए। हाँ। और उसके बाद सावन महीने सब पूजा करते हैं, इसलिए मैं इनको दिल से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो हमारे बेजुबान को बचाए और बचा के हमको सोचना दिया। अब इनको चलिए पकड़ लिए, चलिए हटा दौड़ून बाबू हो हलवा हथिया हट जात जा दूर दूर वह जाता है ना, पहले देख ले देख ले जो है। वह जात रहे घूम के रहे मुड़ी उनका आया होता है ना, आया होता है ना, वो रख लग रही है। कौन है यो साड़ी नहीं लागत है? हाँ साड़ी ही है। हट जात जा दूर हो जिया वहाँ भागे। हाँ सर ये ही है, कहो सोनू भाई मेघा खाए थे गले तारा हल गए हैं ना, और बगले में लपेट बैठे हैं एक हफ्ते गई गलती बैठे हैं ना, बड़ा मोट बता पहले देख ले भैया। सड़िए है यो है तो सड़िए। आप सब देख सकते हैं इसको, धामी सांप बोलते हैं। एकदम क्लोज में देखिए, एकदम क्लोज करके इसको देखिए, क्लोज में देख सकते हैं इसको, धामी सांप बोला जाता है। आप सब देख सकते हैं, अब हम इसको पकड़ेंगे पैक करके, इसको हम अब सुरक्षित जगह पर लेकर रिलीज करेंगे। हम आप सब देख सकते हैं इटासी खैया देख सकते हैं आप, क्लोज माइ देखे देख सकते हैं आप इसको, इसमें बहुत ताकत होती है। काटू सकते हैं।
अरे अरे यार काके यार कहाँ पागल है यार देख सकते हैं आप ये धामी साफ है। हे मम्मी बत्ती बार दे लाइट रही वो बगल का लाइट जला गया। अरे पहले लाइट ये जलावा या बोटा कुल टीप दे मोर पकड़े रहा का भैया बदलापुर में कुल जला दे। अरे यार इंडिया हे हर बत्ती जलावा हमारे लगे जी ना क्लोज क्लोज का हाँ ले रहे हैं देखिए मेढक लीला था देख सकते हैं आप ये देखिए देखिए और उपले का देखिए और देखिए देख सकते हैं देखिए देख सकते हैं आप भारत में सबसे खूबसूरत होता है जैसे हमारा राष्ट्रीय झंडा होता है उससे हमारे बेजुबान इतने खूबसूरत होते हैं जितना हमारा तिरंगा खूबसूरत होता है। इसलिए आप सब देख सकते हैं इनको मानना नहीं चाहिए बेजुबान को आप सब देख सकते हैं अच्छे से। अब इनको पैक करेंगे पैक करके इनको अनुकूलित जगह प्लेचर पर रिलीज करेंगे। मैं सोनू पुजारी सर्वमित्र मैं चितौनी गांव में आया था हम हमारा चितौनी गांव बहुत लगाव है बहुत प्रिय है बहुत पारिवारिक बैठा रहता है इसलिए हमको सोचना मिला हम कहीं गए थे पकड़ने के लिए। देखा कितना ये है बाल मुकुंद देखा कितना गुस्साई बाबा गुस्सा से एकदम पकड़ लेगा। आप देख सकते हैं एक कैसा पकड़ता है कैसा आप सब देख सकते हैं इसको धामी सांप बोलते हैं। देखिए कितने तगड़े से कस रहा है अगर किसी बच्चे खाद पा जाइए तो उसको तोड़ देंगे। आप सब देख सकते हैं मेढक जो लीला था आप सब देख सकते हैं मेढक जो लीला था ये देख लीजिए इसको देख लीजिए ये मेढक है और ये जिंदा है आप सब देख सकते हैं इस मेढक को जिंदा है आप देखिए ये जिंदा है इसलिए देखिए अरे वो दूर से पकड़ा था। अरे यार देखो अरे हम ऐसे ना एकदम रिलीज फॉर्म देखिए इनको हम अब पैक कर लिए हैं पैक करके उनको वातावरण में ले चल के रिलीज करेंगे। मैं सोनू पुजारी सर्वमित्र बेजुबान को मैं बचाता हूँ बचा के इनको सुरक्षित जगह ले चल कर रिलीज करता हूँ। तो हमारे माता जी की हमारे जो बहुत प्रिय है माता जी एक मिनट इधर आइए जाइए झाड़ू देख सकते हैं हमारे माता जी है जो अब जान लीजिए कि माँ माँ ही होती है। अब देखिए कितना बुढ़ापा है तो हमको खून करवाए अपने लड़के से बोले उनको भाई बुलाइए सोनू पुजारी को और तत्काल सावन चल रहा है उनको बचाए। इसलिए मैं अपने तिरंगा का मैं सलूट करता हूँ कि जी हमारे भारत में सबसे खूबसूरत तिरंगा होता है और उसे हमारे भारत में सबसे खूबसूरत हमारी माँ होती है जो हमको पैदा करती है और पैदा की और बेजुबान को बचाए बेजुबान को बचाए। इसलिए मैं तिरंगा को मैं सलाम करता हूँ बेजुबानों को मैं सलूट करता हूँ जो हमारे माँ बेजुबानों को बचाने के लिए हमारे पास फोन करवाए। इसलिए बेजुबानों को मारना सख्त अपराध है इसीलिए जैसे हमारे तिरंगा के कोई गंदा हाथ लगाता है उसको काट दिया जाता है ऐसे हमारे बेजुबान अगर कोई अगर मारेगा तो उसके पास एकदम जान कड़ी कड़ी सजा होगा। इसलिए मैं स्वरूप पुजारी जैसे मैं सुनता हूँ उसे बेजुबान बचाता हूँ और बचा के मैं सुरक्षित जगह छोड़ता हूँ क्योंकि हमारा नाम सोनू पुजारी है सर्वमित्र। माँ हमारी कुछ कहना चाह रहे हैं कुछ कहेंगे माता जी आपका नंबर हाँ
तो हमारी माँ बहुत बुजुर्ग है, बहुत अच्छी है, हमारे लिए बहुत प्रिय है। अब इनको हम पैक कर लिए, पैक करके इनको अनुकूलित जगह लेकर रिलीज करेंगे। जब तक को सब प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद।